थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मी पायल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हो रहा है दोपहर का 11 और ये जो आप लाइटिंग वगैरह देख रहे हो, मेरे हबी दिवाली के लिए डेकोरेशन कर रहे हैं बालकनी पे। बस अभी लंच करके थोड़ी देर बाद निकलते हैं। हेलो गाइस, वो तुम्हारा बिच्छा है और मैं बोला था और मैं दादी सोता होता है तो ऐसे पवन भी होता है पेट में बच्चा का। अच्छा। और चाहता होता है तो वो होता है शक्तिमाल। अच्छा, आपने दिखाया है डॉक्टर को बच्चे को? हाँ, डॉक्टर को बोला। कहाँ है आपका बच्चा, दिखाओ बेबी को, दिखाओ। ये रहा मेरा बेबी। अच्छा, ये ठम्मा का बेबी है। ठम्मा का बेबी है। अच्छा। हाँ। अभी मैं किचन पे हूँ और आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के लिए, और ये वाला रेसिपी जो है मैं पहले भी मेरा YouTube चैनल में दिए हुए है, तो आज मेरे पास टाइम बहुत ही कम है तो एक ही रेसिपी मैं दिखा पाऊंगी, वो भी थोड़ा थोड़ा सा ही। पहले लंच हम जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ हमें कहाँ जाना है। तो आज हम बनाएंगे फिश पतोरी, जो एक बंगाली डिश है, और इसके लिए एक मैंने मसाला भी करके रखा था, वो प्याज, हरा मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च, लहसुन, सब कुछ पेस्ट करके मिक्स करेंगे कटा हुआ आलू। इसके बाद मिक्स करेंगे ग्रेट किया हुआ मूली, देन इसके बाद मिक्स करेंगे प्याज और टमाटर कटा हुआ। नेक्स्ट करेंगे ऐड धनिया पत्ता, देन जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है फिश, छोटा साइज का फिश, इसे मैंने धो के अच्छे से कटिंग करके रख दिया था, तो ये अब मिक्स करेंगे उसमें। नेक्स्ट और एक फिश मिक्स करेंगे, वो है कुचो चिंगड़ी, यानी साइज का जो प्रॉन वो है। नेक्स्ट मिक्स करेंगे नमक, हल्दी पाउडर, और लास्ट में ऐड करेंगे कच्चे हनी मस्टर्ड ऑयल। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। Oh my God, just look at this patori, just yummy. Hey guys, अभी हम निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। वैसे तो बेबी का शॉपिंग हो गई थी ऑनलाइन से, बस कुछ कुछ चीजें ऐसा है कि जाना ही पड़ेगा हमें बाहर से खरीदने के लिए, तो इसीलिए जा रहे हैं। और मेरा भी कुछ काम था, मतलब हेयर का, हेयर स्पा मुझे करना था, तो बहुत दिन से मैं हेयर स्पा नहीं कर रही हूँ। बेबी हाय बोल दो। हरदम बोलना नहीं चाहिए ऐसा। और आपको भी थोड़ा थोड़ा सा ही दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत सारा काम है और हमें जल्दी जल्दी से खत्म करना है कम टाइम में। फर्स्ट हम जाएंगे पार्लर, उसके बाद जाएंगे बेबी की शॉपिंग करने के लिए। बेबी को बर्थडे में कुछ मिलने वाला है मामा के घर से, मेरे मायका से, तो वो भी लेना है, तो चलिए जाते हैं और बताती हूँ। अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताती हूँ।
पार्लर की काम हो गई है, बस अभी घर के लिए कुछ कैंडल वगैरह खरीदना था दिवाली के लिए, तो वही देख रहे थे। साथ में एक रोजेस का स्टॉल मिला था, तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत सा फ्रेश रोज़, हर टाइप की रोज़ मिल रही थी, तो वहाँ से पिंक के लिए पिंक रोज़ एंड मेरे लिए एक रेड रोज़ पतिदेव ने दिया है। थैंक यू। मेरा वाला ये है रेड रोज और पिंक के लिए पिंक रोज, है ना? कितना सुंदर है देखो, फ्रेश फ्रेश पिंक एंड रेड रोज। आपके साथ साथ हेयर कटिंग भी किया है, तो थोड़ा सा ही हेयर कटिंग किया है, ज्यादा नहीं, क्योंकि बाल तो उतना है नहीं कि कटिंग करूं ज्यादा सा। तो हम गए थे तनिष्क पे, क्योंकि उसके नेक्स्ट वाला डे धनतेरस था, तो इसीलिए बेबी के लिए हम लोग सोच रहे थे कि कुछ ले ले। साथों साथ मैंने भी एक रिंग खरीदी डायमंड वाले, तो उसको भी मैंने ये चूज़ कर रही थी कि कौन सा ले कौन सा ना ले। क्या हुआ? तो हमने लिया है बेबी के बर्थडे के लिए गोल्ड कॉइन, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है उसके लिए वही मुझे ठीक लगा, तो इसीलिए वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी हो जाते हैं, है ना? तो बेबी का दादी ने जो गिफ्ट, मतलब मेरा मायका से जो गिफ्ट है, वो अभी लेने जाऊंगी। चलिए बेबी का गिफ्ट मिल चुका है, बेबी का मामा का घर से दिया है, तो आप लोगों को भी समझ में आ ही रहा है क्या मिला है बेबी को, है ना? क्या मिला है बेबी को? सरप्राइज मिला है। रुक जाओ, क्या सरप्राइज मिला है? वो वाला। क्या वाला? वो वाला। दादू को थैंक यू बोल दो यहाँ पे। थैंक यू दादू। सुन लेगा दादू, ठीक है? वो गिफ्ट जो कि मिली है बर्थडे में बेबी को मामा का घर से, और यहाँ से डायरेक्ट हम लोग घर चले गए, सो इसीलिए और व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाए। तो व्लॉग अगर अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग बहुत कम लाइक करते हो आजकल, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एक कर दीजिएगा और शेयर विथ फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरी एक वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू।